हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान और आज का जो सॉन्ग है वो है ये मेरा हिंदी। ये एक अरुणाचली सॉन्ग नहीं, रैप बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के एक रैपर हैं और जिनका नाम है केफो केको, और आई थिंक यही उनका नाम है। और मतलब ये मुझे जो रिकमेंडेशन आई है उस मैडम जी ने थोड़ी शिकायत करी है कि मैं ना अरुणाचली सॉन्ग्स पे रिएक्शन नहीं देता हूँ, तो वो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम क्या रिकमेंडेशन आती ही नहीं है किसी अरुणाचली सॉन्ग के लिए। तो इसलिए जो मेरा रिएक्शन है उतना नहीं आ पाता है, पर अगर आप देंगे तो मैं ज़रूर रिएक्ट करूँगा। हाँ, मुझे चूज़ करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं जिनमें ज़्यादातर रिक्वेस्ट होती हैं कॉकब्रक और मणिपुरी वीडियोस की, तो इसलिए मुझे मतलब उनकी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए मुझे उनकी मैं मतलब उनकी वीडियोज़ पे ज़्यादा करता हूँ। पर अगर आप भी करेंगे तो मैं आपकी वीडियो पर पिक करूँगा भाई, आप भी मुझे आपसे भी बहुत प्यार है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तो बस ये है कि हाँ, पर कुछ लोग नाराज भी होते हैं क्योंकि मैं उनकी वीडियोस पर रिएक्शन नहीं देता हूं। तो भाई यार, मैं सब पे रिएक्शन देना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो मुझे चूज़ करना पड़ता है लिटरली कि मैं इस पे दूंगा इस पे नहीं, क्योंकि अब रोज़ की मुझे बहुत सारी आती हैं रिक्वेस्ट, तो अब मैं सब पे देना तो इम्पॉसिबल है। ऐसे तो मुझे मैं पूरा दिन भी वीडियो शूट करूँ ना तब तो भी सभी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल नहीं होंगी, तो थोड़ा सा होता है भाई, ह्यूमन हूँ मैं भी। तो नाराज मत हुआ कीजिए, कभी ना कभी तो आपकी किसी रिकमेंड की हुई वीडियो पे रिएक्शन मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। और वैसे भी मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी में जो है किस सॉन्ग के लिए आ रहा है, तो मेरा चूज़ करने का तरीका कुछ ऐसा है, जो इस सॉन्ग के लिए मेजॉरिटी में लोग बोलते हैं मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा कुछ ऐसा कुछ फंडा है। सो अब बात करते हैं इस सॉन्ग की। तो ये मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में है लिखा हुआ अतिया मोए मिक्स टेप बाय सिक मास फीचरिंग के फॉर खेको हु इज़ इन अरुणाचल प्रदेश बेस्ड रैपर। दिस सॉन्ग ब्रिंग्स यू द लोकल नॉर्थ ईस्ट इंडियन हिंदी एसेंट दैट इज़ बींग स्पोकन ऑन स्ट्रीट, डू इन्जॉय द सॉन्ग। ओके, तो ये मेरा हिंदी आई थिंक वो जो अरुणाचल प्रदेश की और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की भी जो हिंदी होती है वो थोड़ी एसेंट थोड़े से अलग होती है ना, हम जैसे यहाँ के लोग जो होते हैं नॉर्थ के, जैसे कि मैं हूँ, तो हमारी हिंदी और नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हिंदी बोलते हैं उनमें थोड़ा एसेंट में फ़र्क तो होता ही है, ठीक है। हमारा हिंदी बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, तो ये शायद उसको लेके है, पर कोई नहीं, दोनों तरह की हिंदी जो है बहुत यूनिक है, बहुत क्यूट है अपने अपने वे में, ठीक है। तो वैसा कुछ बोलने वाली बात तो है ही नहीं, आपकी हिंदी जो है आप जैसा बोलते हो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, जो थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का एसेंट आता है और वो आना ही चाहिए ना, ठीक है, मतलब वो आना चाहिए, इससे मालूम पड़ता है कि आप कहाँ से हो, और मतलब इससे ना आपकी नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी झलक मिलती है, जो कि अच्छी बात है, इसको ना पॉजिटिव वे में जो लेना चाहिए। अब फटाफट सॉन्ग को सुनते हैं, सॉरी रैप को, उसके बाद देखेंगे क्या है सॉन्ग, कैसा है सॉन्ग, सॉरी रैप, सॉन्ग बोल रहा हूँ कब से। Now let's start the video. 1, 2, 3. Sick mass. Buzz, scoop that dough. All up. Yeah, mera hindi. Yeah, mera hindi. Koi bole gaon liya. Koi. Bole fancy, yeah, mera hindi, yeah, mera hindi. Alexa hai na bolo tum, thoda thoda cringy. All the tribes with a tribal language, mera nokte pasha, nokte pasha. Chilla ke nai lagi phus phusa ke bole lot ke aaja. Aaja na. Kya karega tum itna takleef se hindi sikhe? नए हो गए तुमसे, हिंदी नहीं है तेरा मातृभाषा, अरुणाचल आके अच्छा हिंदी बोलो, लड़के लोग तो नहीं पटेगा डाई, जो भी बोलो मेरा हिंदी सुन के मेरा तपोड़ी भाई लोग भी नाचेगा रे, बस एक बार जो आदत हो जाए तो जीवा से ये नहीं हटेगा डे, लेकिन ज्यादा हल्ला मत करो होगा,
टेंशन होने से कहते कहते तो सके असली का दाव से हम कहते कहते छोटा बेटा हूँ भाई जलता भी जाता फिर चापा बच के हम पते कहते मजाक से बोल रहे तो खराब मत पाओ ना हम भी खराब पाएगा असली गदे थोड़ा करो तुम भी प्रैक्टिस मेरा जैसा मेरा हिंदी तुम भी सके गदे मेरा हिंदी ये मेरा हिंदी कोई बोले गाँवलिया कोई बोले फैंसी ये मेरा हिंदी ये मेरा हिंदी ऐसा है ना बोलो तुम थोड़ा थोड़ा क्रिंजी थोड़ा थोड़ा क्रिंजी ये मेरा हिंदी आता है मुझे भी मैं भी कुछ बोलेगा जितना भी खराब हो अपना तो सही है दलदल में उतरेगा कमल ले आएगा गंदगी होने से पानी से धो लेगा हम लोग का हिंदी में हंसता तो हंसने दो छोटा सा बच्चा हूँ कहानी रसने दो हिंदी तो बचपन में टीवी से सीखा उसके बाद मैडम से स्कूल में भी लिखा उत्तर भारत का हूँ निवासी बंदूक का नहीं कलम का सिपाही बॉक्सिंग का थापा अपने हलर की भी देते नहीं लाफा लाफा से पूछेंगे तेरा घर कहाँ पे मेरी कॉम जहाँ से मैं भी हूँ वहाँ से लेना मत हल्के में दम है अपने बंदे में भी हमें थोड़ा साइड में गियर पूरा पक रहे हैं कंटेंट पूरा पक के है जो अभी देख रहा है और हम कहां नक्शे में उसके दिमाग में पूरा नोटिस ही भर देंगे अपना तो घर ही पहाड़ों के बीच आराम से चढ़ लेंगे हाँ मेरा हिंदी ये मेरा हिंदी कोई बोले गालिया कोई बोले फैंसी ये मेरा हिंदी ये मेरा हिंदी अलग सा है ना बोलो तुम थोड़ा थोड़ा क्रिंजी ये मेरा हिंदी ये गाउलिया क्या होता है ओके okay, तो मैंने बिल्कुल सही गैस किया था इसके जो है टाइटल से ये सॉन्ग उसी ही बारे में है वो जो मतलब ये तो अरुरो नेचुरल के मतलब जो लोग होते हैं ये तो उनके के बोल रहे हैं पर थोड़े नॉर्थ ईस्ट में ऐसा होता है ना कि जिन्होंने अभी अभी हिंदी सीखी होती है या फिर जिन्होंने टी वी वगैरह से सीखी होती है वैसे मैंने भी बहुत बार अपने कमेंट्स में पढ़ा है कि हिंदी उन्होंने टी वी से सीखी है टी वी में जो सीरियल्स आते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसे एसेंट में फ़र्क तो होता ही है पर कोई नहीं भाई वो आपका एसेंट है यार और क्या वो आपका एसेंट क्या क्या दिक्कत है वो आपका एसेंट है वो अपने आप में क्यूट है यूनिक है और बस ये वो तो होता ही है ना अगर मैं अगर किसी नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज को सीखूंगा तो मेरा अपना एसेंट कुछ आएगा मैं बिल्कुल ऐसे परफेक्टली जो आपका एसेंट है उसको कॉपी शायद मैं ना कर पाऊँ तो क्या कर सकते हैं भाई और ये ठीक है ना इसमें क्या दिक्कत क्या है कोई दिक्कत नहीं है बढ़िया है और इवन आप हम मतलब आपको हिंदी आप कम से कम बोलते रहे हो ठीक है मतलब आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है अगर आप अपनी मुझे अगर ऐसा हो कि कोई मुझे मतलब कोई किसी को बोले कि भाई तेरी तो हिंदी अच्छी नहीं है पर भाई कम से कम उसको हिंदी समझ तो आ रही है बोल तो रही है मतलब बोल तो रहा है वो पर क्या तू उसकी लैंग्वेज जो है बोल सकता है नहीं बोल सकता तो ओवरऑल वो बंदा तैसे अच्छा है क्योंकि उसको हिंदी कम से कम ठीक है उतनी ज़्यादा जो है परफेक्ट नहीं है पर कम से कम समझ आ रही है बोल रही है पर तेरे को तो उसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है तो वो फिर तेरे से जो है बेटर हुआ ना तो ऑलवेज मतलब जो है प्राउड करो कि आप जो है कहाँ से हो ठीक है और कोई दिक्कत नहीं आप हिंदी अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई थोड़ा बहुत एसेंट जो आप बोलते रहोगे तो ठीक हो ही जाएगा तो हमेशा कोई ऐसा कुछ बोलता है आपको आपकी हिंदी के लिए मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ या फिर इंडिया के वो किसी भी ऐसे पार्ट से हो जहाँ पर हिंदी नहीं मतलब हिंदी जहाँ की मदर लैंग्वेज नहीं है तो अगर आपको कोई हिंदी स्पीकिंग गाय बोलता है कि भाई तेरी हिंदी अच्छी नहीं है मत बोल तो उनको बोलो कि भाई देख कम से कम मुझे समझ तो आती है और मैं बोलने की ट्राई तो कर रहा हूँ तेरे को तो मेरी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती है अच्छा तो मैं तो सबसे बेटर हुआ ना कि मुझे एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा तो तरह से आती है तेरे को मुझसे एक लैंग्वेज कम आती है तो हमेशा ऐसा बोल के उनका मुंह जो है बंद कर दे करो बाकी सॉन्ग बहुत सही था मैसेज बहुत सही था और भाई साहब ने K4 खेको और बहुत बड़े काम किए उन्होंने
मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ मुझे और अरुणाचली सॉन्ग्स के बारे में और मतलब अरुणाचली सॉन्ग्स की रिकमेंडेशन दो, ताकि मैं उस पर भी करूँ, ठीक है? वरना फिर आप मुझ पर जो गुस्सा हो गए। चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।